हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रीवियस टॉपिक को ही आगे बढ़ाने वाले, मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है टॉप 50 इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे फिर से एक उसका नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें फिर से टॉप 50 जो अनदर टॉप 50 इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशन है वो डिस्कस करूंगा। तो आज हम उसके आगे ही पढ़ने वाले हैं अनदर टॉप 50 इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा अपडेट पहुंच सके। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? अगर मैं अपना पहला प्रश्न पढूं, स्टीम इंजन बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था ये आपका। इसके बिना जो स्टार्टिंग में जब डीजल इंजन वगैरह नहीं आया था, तो सबसे पहले इन्वेंट क्या हुआ था आपका? स्टीम इंजन हुआ था। तो इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो ये था आपका जेम्स वॉट ने। किसने किया था? जेम्स वॉट ने। इनके जनक कहे जाते हैं ये। चलिए अगला देखते हैं, शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया? भाई शॉर्ट हैंड आज की डेट में जो लैंग्वेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्रकारों की होती है, या आपको हाई कोर्ट का कोई एग्जाम देना है वहां पर भी काफी मांगा जाता है, इसका कोर्स होता है अलग से। तो इसके आविष्कारक कौन थे भाई? तो इसके आविष्कारक थे सर आइजैक पिटमैन। कौन थे? सर आइजैक पिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, टर्बाइन शिप आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, टर्बाइन होती है और शिप, टर्बाइन शिप का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका किया था सर चार्ल्स पार्सल्स ने। सर किसने किया था? सर चार्ल्स पार्सल्स ने। चलिए अगला देखते हैं, स्ट्रीम शिप का आविष्कार किसने किया था? अगर मैं बोलूं स्ट्रीम शिप, तो स्ट्रीम शिप का आविष्कार आपका किया था जेसी पेरियार ने। किसने? पेरियार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरियार वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। स्कूटर हम सबने चलाई हुई है, अभी भी चला रहे हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था आपका जी ब्रॉड शो ने। किसने? जी ब्रॉड शो ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये कैसा नाम है, एक अजीब सा नाम है, ब्रॉड शो, बड़ा सा कुछ शो था उसने किया था। अगली बार देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? भाई सिलाई मशीन है, यूज होती है, हमारे कपड़े सिलते हैं उसमें, उसका आविष्कार किसने किया था? तो ये इनका नाम है बी थिमोनियर। क्या नाम है? बी थिमोनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेफ्टी पिन, अगर हम देखा जाए सेफ्टी पिन होती है, हम लोग यूज करते हैं काफी जगह पर, ठीक है, लेडीजें काफी यूज करती, तो इसका जो आविष्कार था आपका किसने किया था? तो भाई विलियम हसर्ट ने। किसने किया था? विलियम हसर्ट ने। अगला देखते हैं आपका, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका भी जो आविष्कार था, देखो सेफ्टी से दो हो गए, एक था पिन जिसका किया था विलियम हसर्ट ने, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा सेफ्टी लैंप का आविष्कार, तो ये किया था हम्फ्री डेवी ने। अगला देख लेते हैं दोस्तों, रबर जो आज हम यूज करते हैं, रबर, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये थे चार्ल्स गुडियर। कौन थे? चार्ल्स गुडियर। तो इनने क्या किया था आपके रबर जो आप यूज करते हैं? गुडियर, अगर आपने देखा होगा टायर बनाने वाली कंपनी, टायर में रबर का यूज तो होता ही है, और ये उन्हीं का प्रोडक्ट है गुडियर। तो आप समझ गए होंगे कि जो इसके बेस है वो कहां से आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर सब जानते हैं, पुलिस ऑफिसर्स यूज करते हैं, कई जगह पर यूज किया जाता है, जो ये रिवॉल्वर है आपका, इसका आविष्कार किसने किया था भाई? तो इसका आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। किसने? सैमुअल कोल्ट ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? भाई फ्रिज हमारे घर में है, नहीं तो ठंडा कुछ ना हो उसके बिना, तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो भाई देख लो आप, जे हैरिसन एवं दो लोग थे, ए कैटलीन। कौन था? जे हैरिसन एवं ए कैटलीन। ठीक है, और इनका आविष्कार किया था, और इनका जो है प्रोडक्ट काफी चला था उस टाइम पर, ये इनका इन्वेंशन था जिसके बाद से रेफ्रिजरेटर की डिफरेंट डिफरेंट अब तो कंपनीज बहुत सारी हो चुकी हैं। अगला देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक रेजर की मैं बात करूं, किसने किया है इसका आविष्कार? तो ये है कर्नल जे सिक ने। इलेक्ट्रिक रेजर किससे आया? कर्नल जे सिक से आया है। अगला देख लेते हैं, रेजर सेफ्टी का आविष्कार किसने किया था? रेजर सेफ्टी का आविष्कार किसने किया था? ये इनका नाम देखा जाए तो केजी जिलेट ने। जिलेट आपको याद है अभी भी रेजर की एक कंपनी है जिससे आपकी शेविंग के कई प्रोडक्ट आते हैं, ये वही कंपनी है, और इसी ने ये जो इनका इन्वेंशन हुआ था इस प्रोडक्ट का, ये कहां से हुआ था? केजी जिलेट द्वारा, जिनके नाम पे ये कंपनी भी है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। किसने किया था? जी मार्कोनी ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई, रेडियम का आविष्कार किसने किया है? तो मैरी और पियरे क्यूरी ने, दोनों ने मिलकर किया था, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रडार का
जो आविष्कार है वो किसने किया है, रडार अगर हम देखें तो इसका आविष्कार किसने किया, तो इसका भी दो लोगों ने किया है, पहला क्या नाम है A.H. टेलर और दूसरा है L.C. यंग, जिनने किया था रडार का आपका आविष्कार। प्रिंटिंग प्रेस, अगर मैं अगला प्रश्न देखूं तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया है, तो देखो प्रिंटिंग प्रेस आप लोग भी जानते हो क्या होता है, आजकल हमारा जो पेपर है वो कहां से छप के आता है भाई, ये सब प्रिंटिंग प्रेस से ही होता है, हमें कोई आजकल पेपर छपते हैं जो हम लोग कार्ड्स बांटते हैं कहां से छपते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से ही छपते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था, जे गुटेनबर्ग ने, किसने, जे गुटेनबर्ग थे इसके आविष्कारक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला देख लेते हैं दोस्तों, पेपर फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, पेपर फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, तो W.H. फोकस टैबुलेट ने, किसने, इसका नाम देखें अगर पेपर फोटोग्राफी का आविष्कारक का, तो W.H. फोकस टैबुलेट। अब देखें अगला, नाइलॉन जो एक होता है आपका, नाइलॉन का आविष्कार किसने किया था, तो ये जो आपका प्रोडक्ट है नाइलॉन, इसका जो किया हुआ था, इसका आविष्कार किया था W.H. कैरोथर्स ने, किसने किया था, W.H. कैरोथर्स ने। अगला देखते हैं, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो जी क्लॉड ने, किसने, जी क्लॉड ने। अगला देख लेते हैं, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड बटलर है इसका आंसर दोस्तों, क्या नाम है, जो हमारी बाइक आजकल हम चला रहे हैं, इसका पहली जो बाइक बनाई थी आविष्कारक थे वो कौन थे, एडवर्ड बटलर थे। सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का आविष्कारक किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, तो ये है जेड जॉनसन, कौन है, जेड जॉनसन। अगला देख लूं मैं, मशीन गन, जो मशीन गन चलती है आपकी, जो सेना के यूज में आती है, काफी सुरक्षा गार्डों में यूज होती है, ये मशीन गन का जो यूज है या आविष्कारक है कौन है भाई, किसने किया था इसका पहली बार, तो कोई बता सकता है, चलिए मैं बता देता हूँ, जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, रिचर्ड गैटलिंग ने, ठीक है बता ही दिया मैंने क्या, रिचर्ड गैटलिंग ने। अगला देख लेते हैं, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो डेविड ह्यूगस, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे कहा जाता है, तो डेविड ह्यूगस को कहा जाता है। अगला देखूं मैं तो फिर से एक माइक्रो का ही, माइक्रोमीटर का आविष्कारक, माइक्रोमीटर का, छोटी से छोटी पैरामीटर होती है माइक्रोमीटर, उसको नापा जाता है, तो माइक्रोमीटर का आविष्कारक किसे कहा जाता है भाई, तो गैस क्यागने, इसका नाम क्या है, गैस क्यागने, इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम थोड़ा अजीब सा ही है लेकिन याद रखिए गैस क्यागने। लेजर का आविष्कारक किसे कहा जाता है, चार्ल्स टाउन्स को, लेजर जो है हमारी यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है, उसका आविष्कारक किसे कहा जाता है, तो भाई उसका आविष्कारक कहा जाता है चार्ल्स टाउन्स को, अगर लेजर नहीं होते तो लेजर ऑपरेशन नहीं हो पाते, तो समझ लो लेजर का यूज तो डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्वेंशन। अगला देख लेते हैं, लघु गणक का आविष्कारक, लघु गणक का आविष्कार किसे कहा, किसने किया, जो आविष्कार था वो किसने किया, या हम कहें लॉग, जो टेबल टेबल है हमारी, लॉगरिदमिक टेबल जो होती है लॉगरिदम की, वो किसने इन्वेंट की थी, तो इसका आंसर है आपका जॉन नेपियर ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकोमोटिव का आविष्कार किसने किया था, रिचर्ड ट्रेविथिक, रिचर्ड ट्रेविथिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैकेनिकल मैकेनिकल की जो अगर भाषा में बोला जाए मैकेनिकल स्ट्रीम है, मैकेनिकल स्ट्रीम में ये बहुत बड़ा आविष्कार था, इससे कई कई चीज़ें हुई, लोकोमोटिव का आप देखो तो ट्रेन लोकोमोटिव के बिना हो ही नहीं सकती थी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इन्वेंशन है कितना बड़ा है, और इसका जो आंसर है वो रिचर्ड ट्रेविथिक है, आप लोगों ने बहुत कम नाम सुना होगा ये, लेकिन आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया है, लिफ्ट हम लोग ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं किसी भी बिल्डिंग में, जब हमें चलना ना हो थके हों, इन सब चीज़ों में काम आती है लिफ्ट से, पता ही है मतलब आपको लिफ्ट करना, तो इसका आविष्कार किसने किया था, एलिसा ग्रेविस ओटिस ने, किसने, एलिसा ग्रेविस ओटिस ने इसका आविष्कार किया था। अगर मैं अगला देखूं, हेलीकॉप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है ये भी, सबको पता है हेलीकॉप्टर होता क्या, इसका जो आविष्कारक है वो कौन है, तो 18 ओहमी सेन, इसका नाम क्या, 18 ओहमी सेन ने किया था इसका आविष्कार। अगला देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, हॉटलिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, हार्ट अगर देखा जाए हॉटलिंग मशीन का आविष्कार तो ये किया था डॉक्टर डैनिश मैलर ने, किसने किया था, डैनिश मैलर ने। अगला देख लूं मैं, ग्रामीफोन,
अगर ग्रामोफोन का आविष्कार बोला जाए, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है, किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया है, गोबर गैस संयंत्र अगर हम देखें तो डॉक्टर सी बी देसाई ने, किसने किया था, डॉक्टर सी बी देसाई ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इंडियन है, जो नाम है वो क्या है, इंडियन है आपका। अगला देख लेते हैं, जायरोस्कोप संयंत्र का आविष्कार किसने किया है, तो इसका नाम है फोकोल्ड, किसने किया था, फोकोल्ड ने। अगला देख लेते हैं भाई, ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया है दोस्तों, तो इसका आंसर है जॉर्ज केले ने, किसने, जॉर्ज केले ने। ट्रांजिस्टर का देखूं, अगला प्रश्न पढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो बॉल्डिन और शॉकले ने, दो लोगों ने किया था, बॉल्डिन और शॉकले ने। ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ट्रांजिस्टर बहुत जगह पर यूज होता है आपका, तो ट्रांजिस्टर का किसने किया था, बॉल्डिन और शॉकले ने, ठीक है। अगला देख लेते हैं भाई, आपका टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, अगर मैं देखूं टाइपराइटर, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर है शोल्स ने, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है शोल्स। अगला प्रश्न पढ़ता हूं, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर का आविष्कार इन्वेंट किसने किया था, कोई आंसर दे सकता है, चले मैं ही बता देता हूं, पाउल सेन ने, किसने किया था, पाउल सेन ने, आपका अगर बोला जाए तो इसका आंसर क्या होगा, पाउल सेन। अगला देख लेता हूं मैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है, तो ये किया था आपका जॉन लोगी बेयर्ड ने, किसने किया है, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैली प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था, तो इमाइल वैन डॉट और जॉन जॉर्ज हल्सिक, दो लोग थे लोग जिसने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखूं मैं, हाँ बिल्कुल देखते हैं अगला प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया, तो माइकल फैराडे ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया था, तो ट्रांसफॉर्मर के बिना तो इलेक्ट्रिसिटी हो नहीं सकती थी आपकी, ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया आपका माइकल फैराडे ने, ठीक है। अब अगर अगर देखिए तो हाथ की घड़ी का मतलब हैंड वॉच का आविष्कार किसने किया भाई, इतना बड़ा आविष्कार हमारे काम आती टाइम देखने को, तो एएल ब्रेगुएट ने, किसने किया था, एएल ब्रेगुएट ने। अगर अगला मैं देखूं तो एक्सरे, ये तो सबको, कई लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो याद रखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था भाई, एक्सरे हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर कभी भी हमें फ्रैक्चर होता है कुछ होता है, डॉक्टर हमेशा कहते हैं एक्सरे करा लो, जिससे पता चलता है कि आपका इंटरनल बॉडी के पार्ट्स के साथ क्या हुआ है, क्या डैमेज हुआ है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरे का जो आपका आविष्कार है वो किसने किया, जिसके थ्रू ये सब हो पा रहा है आज की डेट में, तो ये है डब्ल्यू ए रॉन्टजन ने, ठीक है। ये जो एक्सरेज हैं इनका आविष्कार किसने किया था, रॉन्टजन, ये जो रेज होती हैं ये बहुत डेंजरस भी होती हैं। अगला देख लेते हैं, लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, हॉरिस शॉर्ट ने, हॉरिस शॉर्ट ने किया था लाउड स्पीकर का आविष्कार। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, जो आपका थर्मामीटर है उसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने। सबमरीन जिसे हम पनडुब्बी कहते हैं हिंदी में, उसका आविष्कार किसने किया था, अगला प्रश्न है आपका ये, डेविस गुसलेन, फिर से बता रहा हूं मैं, बुसलेन ने किया था इसका आविष्कार, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन रहा यह पनडुब्बी, जिसमें क्या होता है आपकी नाव पानी के नीचे चलती है। जेट इंजन का आविष्कार भाई, जेट इंजन जो कि हमारे हवाई जहाज में यूज होता है, फाइटर जेट में, तो जो आपके जेट प्लेन्स में यूज होता है, उसका आविष्कार, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रैंक व्हीटन ने, फ्रैंक व्हीटन ने इसका आविष्कार किया है। और अगर मैं चाहूं तो आपके साथ ईयर भी डिस्कस कर सकता हूं, 1937 में हुआ था ये आविष्कार, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, डेंटल प्लेट, डेंटल प्लेट का आविष्कार किसने किया था और कब किया था ये भी बता देता हूं, एंथोनी प्लेंसन ने किया था, और ये किया गया था आपका 1817 में, जो कि डॉक्टर्स द्वारा, जो डेंटिस्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका। चलिए अगला देख लेते हैं, आपका है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार अगर आप देखो यहां पर, तो ये किया था एल्वा फिशर ने, अगर आप देखो तो एल्वा फिशर, देखो याद करने की बहुत आसान ट्रिक है, फिशर मतलब मछली से रिलेटेड, मछली मतलब पानी, वॉशिंग मशीन में यूज होता है पानी, तो एक फिशर ने किया था, एल्वा फिशर जिसका नाम है। चलिए देखिए, वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है, इसका किया था आविष्कार एलिजा थॉमसन ने 1877 में, तो एल्वा था जो आपकी थॉमसन है,
एलिसा जो थॉमसन है इनने किया था आपका वेल्डिंग मशीन का, वेल्डिंग मशीन मतलब जॉइंट। आपका इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, टेम्परेरी जॉइंट होते हैं आपके, परमानेंट जॉइंट्स होते हैं, तो इनको जोड़ना पड़ता है, ये जोड़ता है वेल्डिंग के थ्रू। तो ये इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आज तक साइंस की हिस्ट्री में। तो ये तो था आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो था। आने वाली क्लास में हम और आपके साथ टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके प्रस्तुत होंगे, तो तब तक के लिए शुक्रिया जरूर चाहता हूं आपसे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके जब भी आप वीडियो देखते हैं तो ये याद रखिए कि हमें थकना नहीं है। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं, कई बार हम होता है देखते रहते हैं थोड़ी देर में बंद कर देते हैं, जब भी बैठो कंसंट्रेट होके बैठो, अच्छे से पूरा वीडियो देखो, क्योंकि अगर पूरा देखोगे तब ही फायदा है। तो हमेशा ट्राई करो पूरा देख पाओ, देखो जिससे आपको मिले पूरा नॉलेज। चलिए अब मैं अलविदा करता हूं आपसे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।